देखिए, एसओजी प्रभारी को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो चोरी की गाड़ी लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर उन्होंने सरायाकेल पुलिस के साथ नंदा का पुरवा, जो पीपा का पुल है, उसके पहले चेकिंग लगाई। तो ये अमित कुमार कुशवाहा, जो संदीपन घाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार, जिसे खुद ड्राइव कर रहा था, वो मिला और इसने स्वीकार किया कि हाँ, ये चोरी की गाड़ी है, ये हरियाणा से कहीं चोरी की गई है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जो मौके से भाग गया है। इनका एक गैंग है जो बाहर से गाड़ियों को चोरी करके ले आते हैं और इसके बाद फिर वो प्रयागराज में और कौशाम्बी में, फतेहपुर में, यहाँ ये ले जा करके उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं नंबर बदल करके। इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें इसकी निशादेही पे अमित के 6 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जो आसपास के जनपदों से चोरी की गई हैं। उनका मिलान कराया जा रहा है। जो हमारी टीम है उसको उसको इस कार्य के लिए 25,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से घोषित किया गया। सर, क्या कोई मुकदमा इसके ऊपर था पहले से? इसके इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपराधिक तत्व है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। सर, क्या इस गैंग में और भी सदस्य सामने हैं? इस गैंग में फिलहाल अभी 2 सदस्यों को और पता चला है, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके लिए हमारी टीम गई हुई, बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।